एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के करंट डीप इमोशंस, आपको लेकर, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर डीप इनसाइड ये पर्सन अब करंट में क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ें आज इस रीडिंग में देखी जाएंगी। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो हर एक बात आपसे नहीं मिल पाएगी, ना आपको हर एक बात में अपने आप को ज़बरदस्ती फिट करना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर व्यूअर्स देख सकता है। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। और जो भी रीडिंग जब भी आपके सामने आती है उसे ग्रेटिट्यूड देकर उसे ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर से सेंड करना चाहती है, तो आपको उसको यूनिवर्स की तरफ से एक साइन समझकर ज़रूर से देखिएगा। और पूरी रीडिंग देखेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी सारे डाउट जो मन में चल रहे हैं वो यहाँ पर आपके क्लियर भी होंगे। तो रीडिंग आप पूरी देखेंगे तो डेफिनेटली डाउट्स भी पूरे ही क्लियर होंगे, ठीक है व्यूअर्स? बस फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि करंट ट्रू डीप इमोशंस इस पर्सन के आपको लेकर क्या चल रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस, बताइए डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मदर, वॉरियर, डैमसेल, एथलीट, एंड बॉटम है आपका विजनरी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट ट्रू डीप इमोशंस क्या हैं, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशन, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। सीक्रेट लव, हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल, इन्फ्लुएंस, टॉक्सिक, एंड बॉटम की एनर्जी है लव मैसेजेस, ठीक है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पे इन कार्ड से ये चीज़ें तो पता चल रही हैं कि ये पर्सन हो ना हो, चाहे आप लोगों के बीच में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, कैसे भी क्यों ना हुआ हो, ये रिश्ता आप दोनों का किसी भी स्टेज पर क्यों ना पहुँच गया हो, लेकिन ये पर्सन सीक्रेट लेवल पर आपको अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी कि दिल में इनकी जो आपकी जगह है ना, वो कोई भी किसी भी तरह से मिटा नहीं पाया। भले ये पर्सन अब बाहर से वो चीज़ें नहीं बोलते हैं या बाहर से किसी को दिखाते नहीं हैं, आपको भी इवन चाहे ये चीज़ें दिखा ना रहे हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ जो आपकी नेचर रही है, जो आपका बिहेवियर इनके साथ रहा है, एकदम मदरली नेचर, पेशेंस करने वाले, खुश रखने वाले, खुश रहने वाले, दूसरों को प्यार बांटने वाले, केयर करने वाले, तो जो भी आपका नेचर रहा है ना, जो आपने इनके साथ जितने भी पल बिताए हैं, उन पलों को ये पर्सन अभी भी सीक्रेट लेवल पर डीप इनसाइड प्यार करते हैं, यानी कि उस नेचर से जो आप का इन्होंने देखा, जाना, परखा, उससे इन्हें ना अभी भी मोहब्बत है, और वो मोहब्बत इनकी ना कोई भी मिटा नहीं पाया, चाहे फिर कोई थर्ड पार्टी हो, किसी का इन्फ्लुएंस हो, चाहे जो आप लोगों के बीच में रीज़न बना है सेपरेशन का, दूरियों का, नो कम्युनिकेशन का, वो ये चीज़ें नहीं मिटा पाया है, जिसके बारे में ये पर्सन अभी भी डीप इनसाइड इस चीज़ को सोच रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। और ये प्यार इनका ऐसा नहीं है कि बस दो दिनों का प्यार है, दो हफ्तों का प्यार है, दो साल का प्यार है, ये प्यार इनका ऐसा है जो एक स्टेबिलिटी को देखता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को, एक दूसरे इंसान में अपने जीवन साथी को देखता है, महसूस करता है, तो उस लेवल का प्यार इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड आपको लेकर चल रहा है, यानी कि ये पर्सन आपको अपना एक परफेक्ट जीवन साथी, एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल देखते हैं डीप इनसाइड। आप वो वॉरियर हो, वो योद्धा हो,
आप जिसने ना हर तरह से लड़ाई करी, जिसने हर तरह से इस रिश्ते को बचाने के लिए लड़ाई करी, या अभी भी जहाँ पे भी जिस भी स्टेज पे आप हो ना, वहाँ पे भी आप एक योद्धा हो, वहाँ पे भी आप एक लड़ाई ही कर रहे हो, चाहे इस रिश्ते को लेकर, या फिर अगर आपको किसी बात पर गलत ठहराया गया है तो उस बात को सही साबित करने के लिए। तो डीप इनसाइड आपकी जो इमेज है ना इस पर्सन के दिल में, इनके मन में, वो यही है जो चल भी रही है कि आप डेफिनेटली एक योद्धा हो जो कहीं ना कहीं पूरी मजबूती से, पूरी स्ट्रेंथ से यहाँ पे फाइट कर रहे हो, जो कर भी रहे थे एक वक्त पे। हो सकता है आपने काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें जब बिगड़ रही थी तो आपने कोशिश करी, या अभी भी जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इस रिश्ते को सही करने के लिए, या इस इंसान को सही और गलत के बीच में फ़र्क दिखाने के लिए। तो ओवरऑल आप जो भी एफर्ट्स करते आए हो, जो भी कर भी रहे हो ना, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, उनसे प्यार भी है, उन पर इन्हें भरोसा भी है। उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपके लिए एक अलग ही छवि अपने मन में बसा चुके हैं, जिसे चाहे जो भी हो, जिस भी तरह से अगर धूमिल करना चाहे ना आपके लिए कि भाई वो ऐसा है या वो वैसी है, तो वो नहीं कर पाएगा। उस चीज़ को ये पर्सन डीप लेवल पर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, एज एन आपके हर एक एफर्ट्स इन्हें समझा रहे हैं कि आप ना बेसिकली फाइटर हो, आप यहाँ पर अपने आप को चाहे सही साबित करना है उसके लिए, या फिर आपको इस रिलेशनशिप को सही करना है उसके लिए आप पूरी तरह से अपनी साइड से एफर्ट्स कर रहे हो, करते आए हो और आपने करे भी। तो उन सभी चीज़ों को ये पर्सन डीप लेवल पर बहुत ज़्यादा व्यूअर्स इस पल में, इस घड़ी में बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। उस चीज़ को लेकर आपको जैसे थैंक्स भी बोलना चाह रहे हो, या उन सभी चीज़ों से इस पर्सन को ना ये समझ में आ रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं अभी भी, ठीक है, या आप इनसे प्यार करते हो अभी भी। तो वो चीज़ें इनके दिल में डीप साइड चल रही हैं। इवन ये पर्सन ना, देखो व्यूअर्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, आपने जो भी इस रिश्ते के लिए करा, चाहे वो केयर करी हो, पैम्पर करा हो, इस रिश्ते के लिए आपने फाइट करी हो, तो ये जो भी चीज़ें आपने इस रिश्ते के लिए करी हैं, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन एक अपनी अलग परिभाषा, एक अपनी अलग डेफिनेशन दे रहे हैं कि यही निशानी होती है एक रिश्ते को हेल्दी बनाने की, यही निशानी है यहाँ पे सामने वाले के बारे में ये जानने की कि वो कितना सच है और कितना झूठ है। वो यहाँ पर किसी तरह का भ्रम नहीं फैला रहा या फैला रही, वो जस्ट यहाँ पर एक मोहब्बत चाहता है या चाहती है, या एक हेल्दी रिश्ता चाहता है या चाहती है। जबकि यहाँ पर इस रिश्ते में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो काफ़ी टॉक्सिक बन गई, काफ़ी ज़्यादा ऐसी हुई यहाँ पर चीज़ें जो बिल्कुल आपके लिए भी फेस करना, उन्हें टॉलरेट करना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता चला गया, लेकिन आपने फिर भी यहाँ पर इस रिश्ते को हेल्दी बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी, ना तो प्यार देने में, ना केयर करने में, ना फिर इस रिश्ते के लिए फाइट करने में, और ना इस रिश्ते के लिए वेट करने में। तो ये पर्सन होना वो व्यूअर्स आपको उस तरह से देखते हैं, आपकी छवि, आपकी छाप इस पर्सन के दिल में इस तरह से छप गई है कि आप ना लड़ने वालों में से नहीं हो, मतलब आप वो इंसान नहीं हो जिससे लड़ा जाए, आप तो प्यार करने वालों में से हो, प्यार बांटने वालों में से हो। उस चीज़ को ये पर्सन डीप इनसाइड बहुत अच्छे से जानते हैं, परखते हैं, एज एन इन्होंने आपको अच्छा खासा परख लिया है, आपको जान लिया है। हालांकि ये पर्सन जैसे अब आप अगर अब काफ़ी लंबे समय से शांत हो, या अब आपकी तरफ से इतनी यहाँ पे कोशिशें नहीं हो रही हैं, तो उन चीज़ों को ये पर्सन समझ रहे हैं कि भाई देखो आपका भी कहीं ना कहीं एक पेशेंस लेवल होता है जो अब टूट रहा है, तभी यहाँ पे अब आप इन तक कोई अपनी साइड से मैसेज सेंड नहीं कर रहे हो, अपनी प्यार, अपना इश्क, अपनी मोहब्बत, अपनी ज़रूरत, ये सभी चीज़ें अब आपको, आप इनकी तरफ नहीं सेंड कर रहे हो। तो ये पर्सन ओवरऑल ना, देखो व्यूअर्स, आप ये चीज़ें मानो कि ये पर्सन आपको भली भांति जानते हैं, भले ही आपसे मुंह पर कुछ भी कह रहे हो, आप पर कितने भी ब्लेम्स लगा रहे हो, कितनी भी बातें किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर क्यों ना कह रहे हो, लेकिन बेसिकली ये पर्सन जान पा रहे हैं ना कि आप एकदम सच्चे इंसान हो, ठीक है, आप एकदम प्योर सोल हो, आप एकदम
पाक हो। भले इन्होंने आपको किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर काफ़ी कुछ बोला हो, क्योंकि इसकी एनर्जीज मैं यहाँ पर साफ साफ देख पा रही हूँ कि एक वक्त पे इस पर्सन ने किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर इस रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया, आपको काफ़ी कुछ गलत भी बोला, आपके एफर्ट्स को इन्होंने नकार भी दिया, आपके एफर्ट्स को इन्होंने तवज्जो नहीं दी, वो वैल्यू नहीं दी। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी मैं साफ साफ इस पर्सन की साइड से देख पा रही हूँ कि ये सभी चीज़ें जो इन्होंने आपको दिखाई वो बेसिकली किसी के या तो इन्फ्लुएंस में आकर दिखाई या फिर वो बेसिकली जस्ट इन्होंने एक शो ऑफ करा, ताकि जो आप जहाँ पर फाइट कर रहे हो, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोशिशें कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, वो आप रोक दो। क्योंकि इन्हें एक पॉइंट पर आकर ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि आपकी कोशिशें यहाँ पर डे बाय डे नाकामयाब हो रही हैं, उससे आप टूट रहे हो, आपका दिल टूट रहा है, आप कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसी जगह पर धंसते जा रहे हो, जैसे कहते हैं ना, दलदल में आप फंसते चले जा रहे हो जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, और अगर आप और ज़्यादा इसमें धंसते चले गए तो शायद आप ख़त्म ही हो जाओगे। तो यहाँ पर दो सूरतें मुझे दिखाई दे रही हैं, दो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं, या तो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या खुद को ये चीज़ें महसूस होनी शुरू हो गई थी कि अब अगर आप इससे ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करोगे तो शायद आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे, अपने आप को ही अल्टीमेटली आप ख़त्म कर बैठोगे, और इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन ने आपको अपने आप से दूर करा या ये आपसे दूर चले आए। तो ये पर्सन ना होना हो डीप लेवल पर उन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, उस वजह को फील कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह हुई, क्यों इन्होंने ऐसा आपसे बोला, या क्यों इन्होंने इस रिश्ते को इतना टॉक्सिक बनाया, या जो अगर ये चीज़ें दिख रही थी तो क्यों इन्होंने यहाँ पे कोशिश नहीं करी। उन सभी चीज़ों को ये पर्सन डीप लेवल पर व्यूअर्स बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। चलिए टैरो से और देखते हैं, और अब मैं आपको राशियाँ भी बताऊँगी व्यूअर्स, जो भी मुझे यहाँ पर राशियाँ दिखाई देंगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं, सीक्रेट लव को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, गाइड कीजिए बताइए। एस ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी, टेन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और नंबर 1 नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जनवरी और अक्टूबर मंथ। देखिएगा व्यूअर्स, सीक्रेट लेवल पर या ये कह सकते हो डीप लेवल पर ये पर्सन आपके साथ अभी भी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनके दिल में ये इच्छा उमड़ रही है कि ये आप ही के साथ एक नई शुरुआत करें, आपकी तरफ अपने प्यार को जाहिर करें, एक्सप्रेस करें, जो इनके दिल में अभी भी है, यानी कि जो आपने इनके दिल में जगह बना रखी है एक परिवार को लेकर, या परिवार से रिलेटेड सपने को लेकर, या जो भी आप दोनों का रिश्ता है उस रिश्ते में जो आपकी इनके दिल में जगह है ना, ये वो जगह आपको बताएं कि आज भी इनके दिल में आपका वही स्थान है जो पहले हुआ करता था, और उसी स्थान को बताकर ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करें। और ये शुरुआत ऐसे ना हो कि आज आप दोनों मिले और कल ये आपको टाटा बाय बाय बोल रहे हैं, या आप इन्हें टाटा बाय बाय बोल रहे हैं, ये जो भी अब नई शुरुआत हो ना, ये आप दोनों को एक फ्यूचर की तरफ, एक बेहतर फ्यूचर की तरफ लेकर जाए। तो डीप लेवल पर इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर वो प्यार उमड़ रहा है, वो इच्छा उमड़ रही है, जिसका ये पर्सन अपने आप से गला भी घोट रहे हैं। ये इच्छा, ये प्यार, ये इमोशन इसीलिए उमड़ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन जानते हैं आप क्या हो, इनकी लाइफ में आपका क्या स्थान है, या आप इनके मन में क्या छाप बनाकर छोड़ दिए हो, आपकी क्या छवि है इनके मन में, इनके दिल में। तो इसीलिए ये इच्छा भी इनके मन में उमड़ रही है। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल के लिए क्लैरिफाई कीजिए, इस मामले में बताइए डिवाइन, इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस क्या हैं, गाइड कीजिए बताइए, गाइड कीजिए। द एम्परर एंड ईगो, वेरी गुड,
तो यहाँ पे देखिएगा चांसेस हैं आप दोनों इस तरह से कपल हो, एक यहाँ पे एरीज और एक यहाँ पे कैप्रिकॉन। यहाँ पे नंबर 4, नंबर 15, नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अप्रैल एंड जून मंथ, तो इस तरह से भी आप कपल हो सकते हैं। देखिएगा व्यूअर्स, ये पर्सन होना हो आपको एक एम्परर की फॉर्म में आते हुए देख रहे हैं, ठीक है। ये एम्परर कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा लॉजिकली सिचुएशन को देख रहा है या देख रही है। ये एम्परर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जिताना चाहता है या जिताना चाहती है। ये एम्परर अब डिसिप्लिन में रहना चाहता है या चाहती है, यानी कि अब ये पर्सन आपको डेफिनेटली एक वॉरियर के तौर पर देख रहे हैं, जिस जो अब इस सिचुएशन को इमोशनली वे में नहीं देखना चाहता या चाहती। पहले एक पॉइंट पर आपने इस रिश्ते को, इस इंसान को इमोशनली वे में देखा और इसीलिए आपने यहाँ पे फाइट करी, आपने अपनी तरफ से सब कुछ दिया, लेकिन अब आप वो चीज़ें नहीं देना चाहते हो। ये चीज़ें ये पर्सन समझ रहे हैं कि आखिर आपने अपने आप को क्यों बदला और आप किस तरह से बदले हो। पहले आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जस्ट इतना चाहते थे कि मुझे ये रिश्ता मिले, मुझे ये पर्सन मिले, मेरा एक बेहतर फ्यूचर हो, एक स्टेबिलिटी मिले, लेकिन अब आप वो ना करके यहाँ पर अपने आप को वॉरियर बना रहे हो। एज एन अब आप ना यहाँ पर अपने आप को हर्ट करने का, किसी को राइट नहीं देना चाहते हो, और यही चीज़ें व्यूवर्स इस पर्सन के कहीं ना कहीं ईगो को तोड़ रही हैं। वो ईगो जो हो सकता है एक पॉइंट पर इन्होंने आपको दिखाया, या वो ईगो जो दिखाकर इन्होंने इस रिश्ते को टॉक्सिक अनहेल्दी भी बनाया। तो ये पर्सन ना आपको लेकर डीप इनसाइड ये चीज़ें सोच रहे हैं कि पहले तो आपने यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई वो उस वे में दिखाई, क्योंकि आप इस रिश्ते में अपनी एक जगह बनाना चाह रहे थे, ठीक है, या इस इंसान की लाइफ में एक जगह बनना चाह रहे थे, या इस पर्सन की लाइफ में आपने एक जगह बना ली थी, लेकिन अब यहाँ पर आप हो वही, लेकिन अब आपकी जो लाइफ का मोटिव है, लाइफ का जो उद्देश्य है वो बदल गया है, और आपके इस लाइफ के उद्देश्य के बदलने के साथ साथ यहाँ पर आप फाइट तो कर रहे हो, लेकिन आप इस पर्सन को इस पर्सन के भ्रम से बाहर निकाल रहे हो। एक भ्रम तो ये, जो ये अगर आपको कमज़ोर मानकर बैठे थे कि बस जस्ट आपको ये रिश्ता ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो भ्रम आपने इस पर्सन का तोड़ा अपने आप को बदलकर, या फिर जो इन्होंने एक टॉक्सिसिटी और अनहेल्दी इस रिश्ते में मचा रखी थी ना, वो आपने यहाँ पर अपने आप को बदलकर तोड़ दिया। एज एन आपने वहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेकर ये चीज़ें ने दिखा दी कि अगर यही चीज़ें इन्हें मिलनी हैं, ये इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो अब इस चीज़ के लिए आपकी तरफ से बिल्कुल ना है, बिल्कुल नो है आपकी तरफ से इन सभी चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें भी ये पर्सन डीप लेवल पर व्यूअर्स अब आपको लेकर सोच रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए आखिर ये इन्फ्लुएंस के मामले में डीप लेवल पर व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, ये तो जरूरी आती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द मून, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड ये है आपका पाइसेस, जो आपके पार्टनर या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, और अगर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर चुकी है, करना चाह रही है, तो ये उसकी भी राशि हो सकती है, क्योंकि मैं उनकी भी यहाँ पर एनर्जीज देख पा रही हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स नंबर 13, नंबर 4 और नंबर 18, नंबर 9 ये मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यानी कि आपका अप्रैल और सेप्टेम्बर मंथ। आखिर ये जो भी रिश्ता था ना, एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हुआ, क्यों इन्होंने एकदम से इस रिश्ते में आपका साथ छोड़ दिया, या क्यों इनके मन में एक अननेसेसरी डर एकदम से क्रिएट हुआ और उसके चलते इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करा, या ये आपकी ज़िंदगी से दूर आए, वो था किसी का इन्फ्लुएंस, और वो इन्फ्लुएंस था किसी महिला का, कोई मदर भी हो सकती हैं, कोई एल्डर सिस्टर भी हो सकती हैं, किसी महिला का जो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जज करने शुरू कर दी थी आपको, इस रिश्ते को किसी भी तरह से, चाहे इन्होंने जज करा हो आपको इस रिश्ते को, या जिन्होंने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा, जिसके चलते आपके पार्टनर का फोकस यहाँ पर आपसे बदला गया, या इस पर्सन को इतना इन्फ्लुएंस करा गया जिसके चलते इन्होंने अल्टीमेटली आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर करा। तो ये पर्सन करंट में डीप इनसाइड उस
वजह को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों करा। और वो सोचकर इस पर्सन को, इवन खुद को, ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि ये रिश्ता एक्चुअली में इतना अनहेल्दी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ना दो जनों की जगह तीसरी जन्या जो था या तीसरे पर्सन की यहाँ पर बात सुनी जा रही थी, जिसके चलते ये रिश्ता आप दोनों का अनहेल्दी हुआ। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आपको ये चीज़ें पता नहीं है कि भाई क्यों ये पर्सन एकदम से ऐसे हो गए, क्यों ये बदल गए, क्यों इनका बिहेवियर आपको लेकर बदल गया, तो यहाँ पर ये वजह है कोई मदर फिगर, कोई महिला की, जो बेसिकली इस रिश्ते में आप दोनों को जज करना शुरू कर दी थी, आपको जज करना शुरू कर दी थी। और ना सिर्फ ये, इन्होंने यहाँ पर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें स्पेंड कर दी थी जिसके चलते आपके पार्टनर ना आपको सारी बातें बता भी नहीं रहे थे। ये बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाने शुरू कर दिए थे, बहुत लिमिटेड इन्होंने आपसे बोलना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके बिल्कुल ना हो गई हो, एज एन ना तो बात कर रहे हैं ना कोई बात बता रहे हैं आपको। तो उन सभी के पीछे की वजह जो भी हैं, ये महिला हैं जिनके बारे में ये पर्सन करंट में डीप लेवल पर सोच रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पर अपने आप को बदला, अगर आपने यहाँ पर अपने लिए फाइट करनी शुरू करी, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करा या ले रही हो, तो आपने क्या गलत करा जिसके बारे में ये पर्सन डीप लेवल पर सोच रहे हैं। यानी कि जब इन्होंने ही इस रिश्ते में जाने का फैसला ले लिया, आपको छोड़कर दूर जाने का फैसला ले लिया बेकार के डर से, तो फिर उसके बाद आप कब तक वेट करते, आप कब तक इंतज़ार करते, कब तक कोशिश करते, तो वो चीज़ें ये पर्सन करंट में डीप लेवल पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। टॉक्सिक को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आखिर ये किस तरह की टॉक्सिसिटी थी जिसके बारे में व्यूअर्स के पर्सन सोच रहे हैं डीप इनसाइड। फाइव ऑफ सोर्स एंड बॉटम की एनर्जी है द चैरियट। यहाँ पे आपका कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, आप या आपके पार्टनर में से कोई भी हो सकता है। उसके अलग ये है आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुलायन, कुंभ राशि। नंबर 5, नंबर 7 यानी कि आपका मई और जुलाई मंथ ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखिएगा व्यूअर्स, डेफिनेटली एक वक्त पे आपको ये चीज़ें माननी होंगी, भले आप प्यार में थे, आप इनसे प्यार करते थे, आपको तब ये चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, लेकिन अब जितना ज़्यादा आप यहाँ पर चीज़ों को सोच रहे होंगे, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी आ गई थी, इस रिश्ते में इस पर्सन का बिहेवियर आपको लेकर बदलना शुरू हो गया था, इस पर्सन ने आपको समय देना कम कर दिया था, इस पर्सन ने आपसे बातें छुपानी शुरू कर दी थी, इस पर्सन ने आपकी जगह किसी और को चुनना शुरू कर दिया था, किसी और के साथ उठना बैठना अपना टाइम स्पेंड करना इन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है, या इनका झुकाव, इनके मूवमेंट्स, इनके एफर्ट्स आपकी जगह, इस रिश्ते की जगह कहीं और ही होने शुरू हो गए थे, ये भी आपने इनमें नोटिस करा होगा। या एक वक्त पे आपको ऐसा फील होने लगा होगा कि रिश्ते में आपको शायद यूज़ करा जा रहा है, या आपको ऐसा फील होने लगा होगा जो आप चाहते हो वो आपको मिल नहीं रहा। तो यहाँ पर हर वो काम करा गया टॉक्सिसिटी फैलाने के लिए जो शायद आप उस पल में जान नहीं रहे थे, जानना चाह नहीं रहे थे, आप से इग्नोर करते चले जा रहे थे, लेकिन अब आप वो चीज़ें समझ रहे हो, ठीक है। ये पर्सन डीप लेवल पर यही चीज़ें बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि इन्होंने इस रिश्ते में करा तो क्या क्या करा, किस लिमिट तक ये गए, किस लिमिट तक इन्होंने आपका दिल तोड़ा, किस लिमिट तक इन्होंने आपकी हिम्मत तोड़ी, और आपने जो अपनी विल पावर को स्ट्रांग करके इस रिश्ते पर ही डटे रहने का जो आपने फैसला ले रखा था, इसी रिश्ते को लेकर आप जो पूरी डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे थे, वो अल्टीमेटली आपकी तरफ से कैसे टूटा। तो ये पर्सन करंट में इस पल में वो चीज़ें फील कर रहे हैं, तो उस तरह की एनर्जीज यहाँ पर देख पा रही हूँ। यानी कि इस पर्सन को जो चीज़ें इन्होंने करी ना, वो ऐसा नहीं था कि ये चीज़ें अनजाने में हो रही हैं, ये उस वक्त में ये चीज़ें किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर कर रहे थे, ताकि आप अल्टीमेटली यहाँ पे ना इस रिश्ते में एफर्ट करने के बजाय कहीं और ही अपने एफर्ट्स करो। भले हालांकि ये पर्सन ये चीज़ें इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये आपको भी नहीं देख पा रहे थे कि आप यहाँ पर इनके लिए हर वो कोशिश कर रहे हो, और ये आपके लिए कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, और शायद ये कर भी नहीं पाएंगे। तो भले इन्होंने वो इनका इंटेंशन उस पल में सही रहा, लेकिन इन्होंने जो करा वो काफ़ी गलत करा, जिसके बारे में ये पर्सन आज भी जब सोचते हैं तो इनकी खुद की रूह कांपती है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इतना गलत करा। आज भी जब ये पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं तो इन्हें खुद को घबराहट फील होती है
इनको खुद को अपने ऊपर जैसे शर्मिंदगी फील होती हो कि इन्होंने क्या करा, कितना तोड़ा आपको, और यही रीज़न बन रहा है व्यूअर्स कि आपके लिए सीक्रेट लेवल पर इनके दिल में जो इच्छा भी उमड़ती है ना, ये उसको खुद से समेट लेते हैं, खुद से उसे रोक लेते हैं। ठीक है, लव मैसेजेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस बताइए। डिवाइन प्लीज होली एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, लव मैसेजेस को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ सोर्स, तो चांसेस हैं आप में से एक वाटर एलिमेंट और एक यहाँ पे है एयर एलिमेंट। नंबर 11, नंबर 2, नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका फरवरी, अप्रैल और नवंबर मंथ। मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन ना अभी करंट में हो ना हो आपके जो पुराने मैसेजेस थे ना, जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे से बात करते थे या जो आपने कोशिश करी थी, वो जो आपने इन्हें भेजे थे, उन्हें ये बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, और उसके अलग ये भी चांसेस बन रहे हैं, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर भी ढूंढ रहे हों, यानी कि एक मन में इच्छा, क्योंकि इनकी उम्र रही है आपसे बात करने की, इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसिटी फील कर रहे हैं, आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, मतलब एक प्यार इनके दिल में आपको लेकर जो है ना, वो कहीं ना कहीं इन्हें पे जैसे सवार हो रहा हो, और वही प्यार इन्हें इस पल में, इस वक्त में इतना निराश कर रहा है कि इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने वाले या आपके इनकी तरफ बढ़ने वाले सारे मौक़ों को गंवा दिया, इन्होंने सब कुछ खो दिया, और ये पर्सन अब आपको मिस कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद इनके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी यादें हैं या आपके मैसेजेस हैं या आपने जो इन्हें तोहफे दिए हैं वो हैं, और उसके अलग इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। तो उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन डीप लेवल पर बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं, और चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को याद करके काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो रहे हो। मतलब एक होता है ना, अंदर ही अंदर से मन परेशान हो रहा है, अंदर ही अंदर से इंसान रो रहा है, लेकिन बाहर से एकदम नॉर्मल उनके दिखा रहा है या दिखा रही है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। तो इनके लिए ना इस पल में ऐसा हो रहा है कि अंदर से ये पर्सन ना हर एक चीज़ को लेकर जो फीलिंग्स रख रहे हैं वो बाहर नहीं लेकर आ पा रहे, बाहर नहीं दिखा पा रहे, तो इनके लिए ये सिचुएशन बहुत टफ़ बनती जा रही है। ठीक है, और आपको भी पता है कि ये जो सिचुएशन है, क्योंकि चांसेस हैं आप भी ऐसे ही हालातों से गुजरे हों जिसमें दिल कर रहा है जोर जोर से चिल्लाओ, जोर जोर से रो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, या मन में क्या चल रहा है वो किसी को बताओ, अपने मन को हल्का करो, तो ऐसे ही चीज़ें इनके साथ चल रही हैं। मन हल्का करने का दिल कर रहा है, रोने का दिल कर रहा है, लेकिन रो नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर है। देखो, इन्हें पता है कि ये क्या कर रहे थे, क्या इन्होंने करा, क्या इन्होंने खोया, क्या ये खो देंगे, सभी चीज़ों से ये पर्सन पूरी तरह से वाकिफ हैं और हो भी रहे हैं, वो चीज़ें इन्हें परेशान भी कर रही हैं, लेकिन इनको ये चीज़ें फील हो रही हैं कि ये इन महिला की वजह से इस टॉक्सिसिटी जो इन्होंने फैलाई उसके बाद ये अल्टीमेटली अब आपकी तरफ ना ही जाएं, आपको वापस से उन चीज़ों की याद ना ही दिलाएं, तो आपके लिए और इनके लिए दोनों के लिए ही बेहतर रहेगा। तो ऐसा होता है ना इंसान के साथ, जब वो निराश हो रहा होता है या निराश हो रही होती है, तो वो कोई ना कोई तरह से तो अपने आप को सांत्वना देगा या देगी, तो ऐसा ही कुछ ये पर्सन करंट में कर रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। I was thinking of you last night, आपसे अब ये कहना चाह रहे हैं कि लास्ट नाइट भी आप ही के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि डेफिनेटली सोचते हैं जो मैंने आपको बताया। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो ये प्यार आपसे कर बैठे थे, जो प्यार इन्होंने आपसे करा, वो प्यार ये किसी से नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे, वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। I feel like you have moved on from me, हालांकि दिल में ये चीज़ें इन्हें फील हो रही है कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, वो चीज़ें किसी पॉइंट पर इन्हें एक सांत्वना भी दे रही हैं, चलो आपके मन में दर्द नहीं होगा, लेकिन परेशान भी कर रही हैं। I really hate not communicating as much as I want to, इन्हें पसंद नहीं आ रहा है जैसे अब आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो आपसे कहना चाह रहे हैं ये। I know you won't feel the same, कहीं ना कहीं अपने आप को सांत्वना दे रहे हो या इन्हें ऐसा फील हो रहा हो कि भाई आप इन जैसा अब इन्हें फील हो रहा है वैसा अब आपको फील नहीं हो रहा, तो दोनों में से कोई भी बात यहाँ पे हो सकती है, या तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा ही मैसेज इन तक पहुँचा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो, या
या फिर इन्हें अब इस वक्त में ऐसा फील हो रहा है। आपके पितृदेव, आपके आर्केंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ये चीज़ें और देखकर मैं इस रीडिंग का एंड करूंगी। व्यूअर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। ट्रेडर, ब्रोकन एरो एंड बॉटम है मेडिसिन गार्जियन। देखिएगा व्यूअर्स, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, हालांकि ये पर्सन भी इस वक्त में काफ़ी दर्द में है, जो हमने देखी एनर्जीज, ऐसा नहीं है कि इनके लिए ये सफ़र, ये रास्ता, ये सिचुएशन बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए भी नहीं है। यानी कि अगर ये टूटे हुए हैं किसी पॉइंट पर, किसी रीज़न की वजह से, तो आप भी यहाँ पर टूटे हुए हो। इनके मन में भी सुकून नहीं है, आपके मन में भी सुकून नहीं है। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हो इस पर्सन को हील करना या अपने आप को हील करना, तो आप वही पहले करो। यानी कि आपको सबसे पहले अपने आप को हील करने के मेडिटेशंस करने होंगे, अपने आप को हील करने के लिए हर वो चीज़ करनी होगी जो आप कर सकते हो। अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट कीजिएगा, अपनी वाइब्रेशंस आप इतनी ज़्यादा हाई कीजिएगा जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं महसूस होनी शुरू हो, और ये पर्सन उस एनर्जी के साथ एक स्ट्रेंथ जुटा पाए। जो आप करने के लिए तैयार थे हो वो ये भी करें, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करने का वक्त आ गया है, तभी आपकी लाइफ में अबेंडेंस आएगी, और उसके लिए आपको पहले हील करना होगा, वर्क करना होगा, बेसिकली हील करना होगा, मेडिटेशंस करना होगा, हीलिंग वाइब्रेशंस इन तक भी आपको सेंड करनी पड़ेगी, और अपने हार्ट चक्रा को भी आपको एक्टिवेट करना होगा, ठीक है व्यूअर्स। तो ये चीज़ों के लिए आप थोड़ा थोड़ा वक्त निकालिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पूरा दिन काम वाम छोड़कर आप ये करना शुरू कर दें, नहीं, हार्डली आप दिन का 5 मिनट, 24 घंटे होते हैं, उसमें से 5 मिनट आप मेडिटेशंस में दीजिएगा, ज़रूर से दीजिएगा। और अगर आपको लगता है ये नहीं हो पाएंगे, बट आप तो अपने आप से अपने आप को हील कर सकते हैं ना, उस पर ज़रूर से वर्क कीजिएगा। ये चीज़ें आप ही के लिए बेनिफिट रहेंगी और इस रिश्ते के लिए भी रहेंगी। और अगर आप किसी और रिश्ते में भी अगर जाना चाहते हो, या आपको बाई चांस जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये आपके लिए सही रहेंगी। तो ओवरऑल ये जो भी मेडिटेशंस है वो अल्टीमेटली हर तरह से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो ऐसा आपसे आपके आर्केंजल्स बोल रहे हैं। अगर टूटे दिल से कुछ चीज़ें करना चाहते हो, जैसे कहते हैं ना, जब इंसान खुद खुश नहीं है तो वो दूसरे को क्या खुश कर लेगा या कर लेगी, तो वही चीज़ें आपसे आपके आर्केंजल्स बोल रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं जब आप खुद ही हील नहीं हुए हुए, तो आप दूसरों को क्या हील कर दोगे। तो ज़रूरत है इस पल में, इस घड़ी में अपने आप को हील करने की, तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में ऐसा गाइडेंस बोला जा रहा है, ठीक है व्यूअर्स। ये थी रीडिंग, आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स लेकर आने के लिए मोटिवेट होती रहूं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।